कुछ नहीं है, सब चीज़ें आसान होती है, लोग उसे बदनाम करने में तुले होते हैं, उसे आसान ना बोल के बदनाम का नाम दिया जाता है। यही जिंदगी है दोस्त। अभी हम साले आ जा इनोवा। दादा मैं आगे बगा की रहा हूँ, इंडिकेटर तर दे दिया, तुमचा नुकसान झाला, रास्ता आमचं काय आहे, इंडिकेटर तर मस्त है। अभी तो हम लोगों ने इस मंदिर का दर्शन के लिए और स्वागत है आपका पार्ट 3 में। जय श्री राम। अब हम जाएंगे सीधा लोनावला और वहीं पर ही कुछ खा लेंगे क्योंकि बहुत देर हो गई है, 2:30 हैं और हमने कुछ खा नहीं लिया इस वजह से। साला वैसे देखा जाए ना तो चल के यहाँ से आ सकते हैं लेफ्ट साइड से, ये जो पत्थर वाला रास्ता है यहाँ से, और बाइक से यहाँ से उसकी उसी बाजू में से है बाइक से आने के लिए। अच्छा है, ट्रैक भी अच्छा है, इतना चढ़ाई नहीं है, इतना तुमको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, जगह जगह पर पानी की बोतलें लेकर आदमी बैठे हैं। और फिर नहीं चल सकती है भाई एक्टिवा पे, लोग लद्दाख गए हैं, ये तो कुछ ही ऑब्स्टिकल है। निकल गए ना हम भी अच्छे तरीके से, अब धूल मिट्टी बहुत होएगी भाई, अब धूल तो बहुत लगेगी। ओके स्लिप हो रही है बाइक वहाँ पे। आंटी जी डैम के लिए रास्ता, आंटी जी कुछ बोल नहीं रही, आंटी जी डैम के लिए रास्ता सीधा है ना? हाँ सीधा बोल रही है, ठीक है चलो सीधा चलेंगे। यही पे आते वक्त सुयेश ने पैर ऊपर कर लिए थे मेरे दोस्त। कुछ नहीं है, सब चीज़ें आसान होती है, लोग उसे बदनाम करने में तुले होते हैं, उसे आसान ना बोल के बदनाम का नाम दिया जाता है। यही जिंदगी है दोस्त। जहाँ से हमारी होगी मज़े ही मज़े, क्योंकि पिलियन मेरे ऊपर आ रहा है और मेरा जो नीचे का हाल हो रहा है ना, मैं ऑन कैमरा बता सकता हूँ ना ऑफ कैमरा, वो मैं सिर्फ सहन कर सकता हूँ, यही बात है। साला स्कूटी पीछे है, बुलेट आगे चली गई और बीच में लटक गए हम। ओह शिट ओ डैम। हाँ एक आध दूसरा पत्थर खिसक जाए ना टायर के नीचे से तब गाड़ी स्किड करने को होती है, और सिर्फ ये हो ना, सिर्फ मिट्टी हो और छोटी ये मिट्टी है ना धूल वाली, वो भी वैसे ही करती है। ये देखो ये मिट्टी वही है, बीच में से ये आता है रास्ता ऐसा। लो आ गया, ये गंदा सा रास्ता ख़त्म हो गया और फिर से ये छुटकुसा हाईवे जैसा रास्ता, पक्की सड़क आपके हिसाब से। ये यमा बहुत अच्छा लगता है भाई,
ऑफ रोडिंग के बाद ऐसा या ना, उसके आगे चलते हैं। लो ए क्या हुआ है? थैंक यू अंकल जी, उन्होंने हमारे लिए कम किया स्पीड। कोई नहीं, और फिर भी आएगा गंदा रास्ता ऑफ रोडिंग पर। सॉरी मेरे जान, आ गया ऑफ रोडिंग वाला पैच। अभी हम साले आ जा इनोवा ब्लॉक चालू किया नहीं कि कोई ना कोई आ जाता है साला बीच बीच में। सफरी सफरू बाजी सफरू गो, हमें ये बोल रहा था कि हमें पक्की सड़क अब तो मिल गई है, अब आगे ही कहीं पे तो ढाबे पे चलेंगे और कुछ खाना वाना खा लेंगे अच्छे से। सुरेश कह रहा है कि मेरे को बम में बहुत दर्द हो रहा है, इसकी बैग देखो पूरी काली थी, पूरी ब्राउन हो गई। हाँ यस जिमनी, हाँ ये पानी के टैंकर्स में साला ये कर रही है पानी यहाँ से ये करते हैं, और वो देखो वो पानी कितना जा रहा है। ये लोनावाला की साइड में आ गई लेफ्ट में है, और पानी का कितना देखो ये कितना वेस्ट हो रहा है पानी साला। आ जा साला, वो जो होटल का नाम क्या था, डेल करके होटल है, वहाँ पे तो सारी इतनी सारी गाड़ियाँ है, BMW ये वो फलाना डिमका मर्सिडीज लैंड रोवर डिफेंडर करके इसकी माँ की तो मैं वो जी, बढ़िया बढ़िया गाड़ी है। टच कर सकता है क्या? आ गए ना हम मगनलाल। हम यहाँ खाना खाने वाले थे, पर यहाँ पर तो सिर्फ नॉन वेज मिल गया और हम थे वेज बंदे, तो फिर चलो आगे जाके कहीं पे देखते हैं। चिक्की विक्की भी लिए हमने, भाई टायर की टायर पेंट बजा रहे। लेंगे कहता है पल पल तुमसे हो गए दीवाना, एक पल भी हमसे दूर नहीं जाना। हे टॉप रे टॉप टॉप टॉप, तिकड़ जाओ। हाँ बस तिकड़ थंड। अब भी खाना खा चुके हैं हम लोग ऐसे वहाँ पे गार्डन में जाके, आज जीरो कोक पिया कोल्ड ड्रिंक में, बस कुछ और नहीं। ये रहे अपना बाइक, अब गाने लगाऊंगा और सीधा चल दूंगा घर की ओर। मिलेंगे सीधा मोटो व्लॉग में, फिर चलो चलते हैं।
ऍक्सिडेंट झाला ऍक्सिडेंट झाला मे बी. लगता है कोई तो स्कीट होके गिर गए. नो गाड़ी नीट चलवा रे बाबा, नो गाड़ी नीट चलवा. इच्छी कटको ट्रैफिक बुक से मोर एक्सीडेंट हुआ है वो हमारे आने से पहले क्लियर भी हो गया. बस आपसे यही कहना है कि गाड़ियाँ अच्छे से चला भैया जी. और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये साला सेंटर वाला. हाँ ये अब स्कोडा वाला ना खुद जाएगा ना हमें जाने देगा. कमीना साला खुल गया. आजा रिक्शा वाले आजा. चतरा इच्छी गांड दादा मग बघा की राव इंडिकेटर तर द्या. तुमचंच नुकसान झालं असतं, आमचं काय आहे. इंडिकेटर तर द्या ना, तुमचं नुकसान झालं असतं. लग जाता यार, आपने नाही दिया. कमी मसाला इतने तो आने मुझे नहीं बची कि अब मैं इससे आगे व्लॉग बना सकूं. यही सीरीज अपनी है राज माजे ट्रैक वो फोर्ट कविट वाला. ये वीडियो ये सीरीज ये थर्ड पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं. मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले सीरीज में, या फिर किसी नए ट्रैक पर. तब तक के लिए जय श्री राम. खुश रहना अपने घर वालों के साथ, अपने पसंदीदा लोगों के साथ, अपने अपने जो करीबी दोस्त उनके साथ. और चैनल को सपोर्ट करना, विजिट करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना. बाय एंड टेक केयर.